वे शब्द आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है सर्वनाम, प्रोनाउन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और आज मैंने 9 प्रोनाउन होते हैं, 9 के 9 पढ़ाए एक साथ, और आपकी समझ में भी आएगा यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना। सर्वनाम वास्तव में होती क्या चीज? वे शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, जो संज्ञा है उसके स्थान पर उसके बदले में जो शब्द रखे जाएंगे वो सर्वनाम कहलाते हैं। Those words which are used in place of noun, noun के बदले में, noun की जगह पर जो शब्द रखे जाते हैं। देखें उदाहरण के लिए, समझने के लिए, पारुल इज ए गुड गर्ल, पारुल एक अच्छी लड़की है, पारुल इज इन द क्लास, पारुल क्लास में है। अब मैंने ये दोबारा नाम लिया, पारुल इज ए गुड गर्ल, पारुल इज इन द क्लास, तो अटपटासा लगा है कि दोबारा नाम क्यों लिया, यानी इसके स्थान पर दूसरा शब्द आ सकता था, पारुल के स्थान पर दूसरा शब्द आ सकता था। एक पारुल पारुल अगर मैं 4 सेंटेंस लिखूं तो चारों में पारुल पारुल लिखूं तो अटपटासा लगेगा, इसलिए उसके स्थान पर, पारुल एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसके स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग किया जा सकता है, बार बार पारुल लिखने की जरूरत नहीं। पारुल इज ए गुड गर्ल, शी इज इन द क्लास, वह क्लास में है, तो एक ही बार पारुल कहना सही है। ऐसी जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं किसी कहानी की तो उसमें भी ऐसा किया जाना चाहिए, नाम को रिपीट बार बार नहीं किया जाता है। अब देखें, आई नो रश्मि, मैं रश्मि को जानता हूं, हु इज ए लेक्चरर, जो एक लेक्चरर है, प्रवक्ता है, तो आई नो रश्मि, मैं रश्मि को जानता हूं। अब देखें कि रश्मि यहां पर आया, हु इज ए लेक्चरर, रश्मि इज ए लेक्चरर लिखने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा हु शब्द आ गया, तो ये प्रोनाउन हो गया यहां पर। इस तरीके से प्रोनाउन भी एक नहीं 9 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला प्रकार बताता हूं, पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस वाले, ऑब्जेक्टिव केस वाले और पजेसिव केस वाले, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं ये। और वैसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, क्या अर्थ है इनके ये मैं बताता हूं। मैं यानी कर्ता की जगह यूज किया जाएगा, नॉमिनेटिव केस है, वी यू ही शी, ये सब कर्ता की जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, मी अस यू हिम हर। और पजेसिव केस अधिकार जमाता है, जैसे आई आई माई, मैं मेरा, वी आवर हमारा, यू तुम्हारा, ही उसका, शी उसका, अधिकार जमाता है ये पजेसिव के संबंध कारक। तो इस प्रकार से ये यूज किए जाते हैं। अब देखें फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सनल क्या है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन क्या है। मान लिया मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो मान लिया ये है पेन और ये दूसरा आदमी है, तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन हूं, ये जिससे बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है यानी यू, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो यहां है ही नहीं वो थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है। इसीलिए आई भी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है, ही शी दे वे थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरीके से होता है, आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है, और वी के साथ अस, यू के साथ यू, ही के साथ हिम, शी के साथ हर, और जब अधिकार जमाना हो तो आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज और शी के साथ हर आता है। इस तरीके से यूज होते हैं, यह है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब दूसरा लेते हैं इंटरोगेटिव सर्वनाम, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु रोट दिस,
तुम्हारा नाम क्या है, ये किसने लिखा, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा, तुम्हारा कलम कौन सा, तो बातचीत में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे सारे शब्द जो डब्लू से शुरू होते हैं और जो प्रश्नवाचक और भी शब्द हैं, वे सब के सब इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तीसरा है रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आई मेट मोहन हु रोट दिस लेटर, मैं मोहन से मिला जिसने ये पत्र लिखा, जिसने ये पत्र लिखा, तो दो को जोड़ रहा है, इसलिए हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दिस इज द बुक, ये वो किताब है, दैट इज यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, तो इस तरीके से दैट यहां पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, संबंध वाचक प्रोनाउन। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, संकेत करेगा, संकेतवाचक है तो संकेत करेगा। दिस इज अ पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो दैट दूर रखी चीज को कहते हैं, दिस पास रखी चीज को कहते हैं, इशारा करने के लिए, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। इस तरीके से संकेतवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। अब देखें पांचवा, डिस्ट्रीब्यूटिव विभागवाचक प्रोनाउन, वाक्यों में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है। जैसे ईदर, दोनों में से एक, इसका अर्थ होता है, नीदर, दोनों में से कोई नहीं, नन, बहुत सारों में से, नन दो से ज्यादा के लिए आता है, बहुत कई में से कोई नहीं, और ईच ऑफ प्रत्येक, इस तरीके से इनके अर्थ बैठते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव विभागवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखें ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है, नीदर ऑफ यू कैन गो, तुम्हें दोनों में से कोई नहीं जा सकता है, ईदर दो के लिए यूज होता है, नीदर भी, नन ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई नहीं जा सकता, कई है दो से ज्यादा, ईच ऑफ द गर्ल्स कैन गो, प्रत्येक में से लड़की जा सकती है, इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। इनडेफिनेट अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। देखें सम, पता ही नहीं निश्चित क्या है, कुछ है, सम माने कुछ, मैंने माने बहुत से लेकिन पता नहीं कितने, ऑल, वन, अदर, फ्यू, एनीबडी, एवरीवन, नोबडी, ये सब अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है, अर्थात इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चय, निश्चित संख्या में जो नहीं होते, सम, मैनी, ऑल, वन, फ्यू, एनीबडी, पता नहीं चलता इसमें। अब ये वो वाले हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, मैनी हैव कम, बहुत सारे लोग आगे, कौन आगे कितने आगे नहीं पता, इस तरीके से ये प्रयोग किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, निजवाचक प्रोनाउन, इसमें कार्य का प्रभाव कर्ता पर प्रकट किया जाता है। और एक बात मैं बता दूं, ही हर्ड हिमसेल्फ, इसमें सेल्फ का प्रयोग होता है, इसमें सेल्फ का प्रयोग होता है, उसने अपने आप को चोटिल किया, चोट लगा ली उसने अपने आप को, आई डिड द सम माई सेल्फ, मैंने खुद इस प्रश्न को हल किया, इस सवाल को हल किया, डू इट योर सेल्फ, खुद करो। अब इसमें केवल ये देखना है कि खुद शब्द का प्रयोग होगा, अपने आप, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप के चोट लगा ली, आई डिड सम माई सेल्फ, ये सवाल मैंने खुद किया, डू इट योर सेल्फ, खुद करो, इसे खुद करो, तो सेल्फ का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें सेल्फ का प्रयोग बाद में होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का प्रयोग बाद में होगा ऑब्जेक्टिव केस के साथ, जैसे हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा, और सेल्फ का प्रयोग होता ही ऑब्जेक्टिव केस के साथ है, लेकिन इसका अर्थ बैठेगा खुद शब्द का अर्थ बैठेगा, जब हम हिंदी बनाएंगे तो खुद शब्द इसमें लगाएंगे। अब देखें रेसिप्रोकल परस्पर वाचक प्रोनाउन, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आए, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आए, जैसे ईच अदर, वन अनदर,
ये देखें, दो के साथ ईच अदर लगता है और दो से अधिक के साथ वन अनादर का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते थे। मोहन एंड सोहन ईच अदर का प्रयोग हुआ है। ईच अदर दो के साथ आता है, वन अनादर दो से अधिक के साथ आता है। देखें, द बॉयज हेल्प्ड वन अनादर, कई लड़के थे, दो से अधिक थे, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, मदद की। तो इस प्रकार से ईच अदर और वन अनादर रेसिप्रोकल परस्पर वाचक प्रोनाउन है। अब देखें इम्फेटिक, इम्फेटिक दृढ़ता सूचक प्रोनाउन है, दृढ़ता सूचक, नवा है, आखिरी है। अब इसकी हिंदी में क्या लगता है और कैसे ये प्रयोग होते हैं? देखिए, इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ का प्रयोग होगा, परंतु क्रिया से पहले और कर्ता के बाद। देखें, ही हिमसेल्फ डिड दिस, और अर्थ में लगाएंगे खुद ही, अकेला, अकेला शब्द, मैंने अकेले ने ये किया। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने अकेले ने ये किया, उसने अकेले ने ये किया, उसने खुद ही शब्द का इस्तेमाल हुआ, केवल खुद नहीं। यू योर सेल्फ डिड दिस, तुमने अकेले ही ये किया, उसने अकेले ही यही किया। आई डिड, आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने अकेले ने ये किया। तो जब अकेला शब्द का इस्तेमाल हो तो ध्यान रखें, अकेले ने मैंने ये किया, तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन कहलाएगा। यहां मैंने अंतर भी बताया है, खुद और खुद ही, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर बताया है। जैसे आई कैन डू इट myself, myself बाद में आया है। देखें, इस बात को ध्यान से देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जिसमें हिमसेल्फ या myself या योरसेल्फ ये बाद में आते हैं सेंटेंस के अंत में, आई कैन डू इट myself, और जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में ये कर्ता के बाद और क्रिया से पहले इनका यूज होता है। आई myself कैन डू इट, ये कर्ता पर ज्यादा जोर डालता है, ये कर्ता पर ज्यादा दबाव डालता है। कौन सा? इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इतना दबाव नहीं डालता है। तो इसमें मैंने खुद किया इस काम को, और मैंने खुद ही अकेले किया, तो इसमें ज्यादा जोर पड़ रहा है। इस तरीके से ये प्रोनाउन मैंने बताया, ये 9 प्रकार के होते हैं, और 9 की हर एक की मैंने अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। प्रोनाउन क्या होता है ये भी मैंने अच्छी तरीके से बताया है। जैसे पारुल नाम है यहाँ, तो पारुल के स्थान पर हम शी कह सकते हैं, यानी हम नाउन के बदले में जो शब्द बोलेंगे वे सब प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं वाक्य में, वो सब के सब सर्वनाम हिंदी में और अंग्रेजी में प्रोनाउन कहलाते हैं। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी वेरी मच।